अस्सलाम वालेकुम, आज के फिर से एक नए वीडियो पे रिएक्शन लेके गए। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं जो कि हमने पहले नहीं किया हुआ। तो गाइस आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं जेठालाल ठग लाइफ, मतलब तारक मेहता की ठग लाइफ वीडियो हो जाएगी। तो मतलब यार फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं, मतलब वैसे तो मैंने आम देखी हुई है हम लोगों ने, बड़ी अच्छी होती है। आप रिएक्शन करते हैं आज के, क्या मतलब कुछ नया ट्राई करते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो स्टार्ट भी देर नहीं करते, तो अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कौन से लोग रिएक्शन चाहिए, हमारे रिएक्शन कैसा लगा। और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, मुझे फॉलो कर लो बिकॉज वहां पर 24 घंटे ऑनलाइन होता हूँ, वहां तुम मुझे डीएम कर सकते हो, एक जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो वह स्टार्ट करते देर नहीं करते, 1 2 3 लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है बबीता जी, बोलिए बोलिए क्या करूँ अय्यर के साथ। कुछ भी कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। जेठा लाल पूरा इस तरह कर रहा है ठग लाल जी। वन थिंग इज डिसाइडेड, आई डोंट वांट टू स्टे विद यू, ओके मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम तो दुनिया बनाने वाले की भूल हो। जेठालाल क्या कर, टू मेनी थॉट्स ऑन माय माइंड, आई कैन स्लीप एट नाइट सो आई जस्ट कीप राइटिंग, आई डोंट नीड नो हेल्प। क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं नहीं, आज ये फैसला हो ही जाए, या तो इस सोसाइटी में तुम रहोगे या हम रहेंगे। ठीक है तो बोल भैया, किधर शिफ्टिंग कर रहे तू? रुको जरा, सबर करो। नहीं वो टेम्पो का खर्चा मैं पंचर करता हूँ। हाँ सुनना है मुझे तो सुन, गुजराती मीडियम में एक ही कक्षा में तू 5-5 बार फेल होता था। अगर तुझे इंग्लिश मीडियम में डाला होता तो आज टप्पू और तू दोनों साथ में स्कूल में जा रहे होते। म्यूजिक पिताजी। हाय जीजा जी, क्या कर रहे हैं आप अकेले अकेले? बस ये झाड़ की कटाई और सफाई चल रही है। चलो मुझे दीजिए, लाइक मुझे दीजिए मैं करता हूँ। A few moments later. अरे दो मिनट आराम से कीजिए आप, पब से काम। ओ ये रहा ये पीछे। ओ जय दलाल कौन है बे? रुको जरा, सबर करो। का काम जोड़कर तुम इधर क्या टाइम पास करता है? यार टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यार भाई, मैंने देखा बबीता जी अकेले इधर मेहनत कर रहे थे, तब मैं उनकी मदद करने इधर आया। चल झूठा। मैं आ गया हूँ, समझ रहे हो? मैं करेगा, तुम जाके ऑफिस का काम देखो। ठीक है ये लीजिए। हाँ करो फिर ना अभी यार भाई, ये कटिंग कर रहे तो चलो हम लोग कहीं और किसी और को मदद करते हैं। हाँ आइए चल, ठीक है करना चलो। वाले पूछ देने जा, ये खुद बेचारे शुरू होते होते खत्म हो गए। भाई देखो बुरा मत लगाना, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है जैसे भगवान से थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया। वो कछुआ बनाते बनाते इंसान बन गए। सुनो तुम लोग 1 करोड़ रुपए भेज दो, हम जेठालाल को छोड़ देंगे। अरे उसके तो कोई 100 रुपए भी नहीं लेगा। बाप ने इसकी बेइज्जती कर दी। हाँ मैं ही हूँ, बोलो। आज मेरी मासी बाकी रितु का हैप्पी बर्थडे है। ठीक है तो मैं दुकान जाते जाते रास्ते में से चॉकलेट खरीद के खा लूंगा। दो दिन पहले तो किसी मिस परेरा के बालों में च्युइंगम लगा दी उसने। च्युइंगम के पैसे इसी ने दिए होंगे, तूने दिए थे ना पैसे? हाँ बोल रही है, क्यों दिए पैसे तूने? वो दुकान वाला मुफ्त में थोड़ी देने वाला है। दिया भी डेटा की लाइफ हुई। तुझे पता तेरे इस गुनाह के छींटे कितनी दूर तक उड़े? ऐसा करता है कोई? बेशर्म। क्या आप लड़की के पिताजी हैं? जाओ। हाँ आया
भाई बबीता के लिए कुछ भी करे अपने बाबू जी को भी गीला करेगा। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में याद रखना। और ओ जेठालाल, अरे ये पाइप कैसे जमीन पे फेंक देना चाहिए था ना। अरे पाइप को जमीन पे फेंकता तो पाइप ऐसे ऐसे ऐसा होकर किधर भी पानी जाता था ना। ऐसे ऐसा कैसे होता, पाइप को साफ थोड़ी है। अरे तुझे नूतन के नियम मालूम नहीं है भाई। नूतन के नियम? तू भाई ट्यूशन ले, ट्यूशन ले। नहीं आज छुट्टी है बच्चों को, आज नहीं बुलाना। अरे तू किसी और से ट्यूशन ले, फिर से पढ़ाई कर। न्यूटन मालूम ना, एक न्यूटन। ये लीजिए आपका रुमाल। हाँ एक मिनट दया। हाँ ये रुमाल है। नहीं तो क्या हुआ, रास्ते में भूख लगती तो खाने में काम आता ना। यार ये बड़े खतरनाक लाइन है जिसको जो भी लिखता है। A few moments later. हमारे जमाने में कोई कचरा नहीं फेंकता था, सफाई करते थे। खबरदार जो कचरा फेंका ऊपर से तो 11,000 रुपया फाइन लगा दूंगा। कौन रहता है डिविंग में ऊपर? ये कौन रहता है? मार मार छपरा को, फाइन मार। ये भीड़े है ना, उसको वैसे भी कोई खास काम होता नहीं है। सुबह उठ के वही सकाराम की साफ सफाई करता है, फिर वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखता है। उसके अलावा और क्या काम होता है उसको? म्यूजिक। अरे ऐसा नहीं है क्या, उसे और भी बहुत काम होते हैं। और काम में उसके पास एक ही काम है बापू जी, पूरे दिन में 10-15 बार अपने कॉलर को ऐसे पकड़ के मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल बस ये बोलते रहे। श्राप कवार, श्राप कवार। सो गाइस खत्म करते हैं आज का रिएक्शन। तो यार मतलब फर्स्ट टाइम कुछ हमने ऐसी चीज ट्राई की थी, मतलब यार देखा है कि यार ठग लाइफ मूवमेंट। तो यार मतलब पहले देखे तो बढ़िया, लेकिन रिएक्शन फर्स्ट टाइम किया हम लोगों ने तो मतलब यार मतलब वही बात है, ये पूरा ड्रामा जो है ना वो ठग लाइफ पे ही करते हैं, डिपेंड करता है। मतलब ये है कि अभी तो ये एक वीडियो थी, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे तो पता नहीं कितनी इनकी वीडियो ठग लाइफ वाली है। तो मतलब आप पूछ लेते बताओगे तुम्हें कैसी लगी वीडियो? मुझे काफी अच्छी लगी। कौन सा मोमेंट तुम्हें अच्छा लगा? मुझे ये सारी सही थे, इतना भी नहीं। कौन सा वाला थोड़ा लगा सीरियस, मतलब ज्यादा हंसी आई उसमें? ज्यादा हंसी आया कितना इजी, मुझे इतना कोई समझ याद ही नहीं आता। ये क्या मजेदार थे, मुझे मजा लगा था वो पानी वाला। नहीं मुझे पता है कौन सा चला था, वो वाला वो बबीता जी वाला, जब वो दर्द काट दिया थी तो मतलब मुझे याद आ गया। तो मतलब यार हमें तो बड़े अच्छा लगे, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट दिखाना और नीचे जरूर लिखना वन सपोर्ट, या मतलब और वीडियोस चाहिए अगर इस बारे में तो प्लीज और जरूर आप लोग कमेंट करना ताकि हम लोग और वीडियो इस तरह की लेके आ सके और सपोर्ट दिखाओ इस वीडियो को। तो हम करते हैं, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कौन से रिएक्शन चाहिए, हमारे कैसा लगा, प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाए, बाकी वीडियो देख सको। तो हम करते हैं, 1 2 3 बाय।